माता की, वंदे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। गाय को रोटी खिलाना गुरुदेव धर्म की जय है, और गौ तस्कर को जेल में डाल देना अधर्म का नाश है। आप धर्म की जय करिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधर्म का नाश करूंगा, यही मेरी ड्यूटी है। अब तक सनातन धर्म के लिए 200 से ज्यादा पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर चुका हूं। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, मठ मंदिर मुक्त हो, ऐसे ऐसे अनेक अनेक विषय है। मेरा मानना है धर्म की जय करना जितना आवश्यक है, अधर्म का नाश करना उतना ही आवश्यक है। घर वापसी कराना धर्म की जय है, और धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर एनएसए लगाना, यूएपीए लगाना, वेजिंग वॉर लगाना, देशद्रोह लगाना, गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी नागरिकता खत्म करके हमेशा के लिए जेल में डाल देना, यह अधर्म का नाश। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, दोनों बराबर चलने चाहिए। गुरुदेव आप धर्म की जय कर रहे हैं, मैं इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। लेकिन जिस स्पीड से, जिस स्केल से, जिस स्किल के साथ आप धर्म की जय कर रहे हैं, इसी स्केल से, इसी स्पीड से और इसी स्किल के साथ अधर्म का नाश हो, उसके लिए मैं कानून बदलवाने के लिए दिन रात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ हूं, यही मेरा काम है। दुर्योधन का ननिहाल गुरुदेव गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, अब वो अफगानिस्तान हो चुका है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। हम वहां घटे, हम वहां कटे, और वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, घुसपैठ धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट के कारण हम वहां घटे, और जब घटे तो कटे, और इतना कटे, इतना कटे, वो पाकिस्तान बन गए। घुसपैठ धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट के कारण बांग्लादेश ढाकेश्वरी मंदिर, जहां 100% हिंदू थे, अब वहां से घटना शुरू हुए, और जब घटना शुरू हुए तो कटना शुरू हुए, और घटते घटते इतने कट गए, आज तो इस्कॉन मंदिर के वहां एक प्रमुख महाराज जी को जेल में डाल दिया गया। भारत की डेमोग्राफी गुरुदेव बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मिजोरम में खत्म हो गए, मेघालय में खत्म हो गए, नागालैंड में खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म होने वाले। अभी कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम शिलांग में था, हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी, मैं वहां गया, कोई दर्शन करने वाला नहीं, मंदिर बंद, क्रिश्चियन आतंकवादियों ने वहां इतना हवा खड़ा कर रखा है, हमारा जयंतेश्वरी मंदिर बंद है। मैं वहां कीर्तेश्वरी मंदिर गया, वो भी हमारा एक शक्तिपीठ है, जहां माता का मुकुट गिरा था, आज की डेट में उसको मुर्शिदाबाद कहते हैं। कीर्तेश्वरी मंदिर की पहचान खत्म हो चुकी, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 है। इसका मतलब यह हुआ, आज भले 80-20 का रेशियो है, 20 साल के बाद जो यंग युवा होंगे उसमें रेशियो 50-50 का होगा। इसलिए मैं कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मुगल यहां पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया, मुगल यहां केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी, अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था, एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। और आज भी गुरुदेव 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा। मैं आपके आदेश से कहिए, एक बार मैं कोई सवाल पूछ लेता हूं, आप बताइए धर्मांतरण करना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारे लिए देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं?
धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं भारत के खिलाफ? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है गुरुदेव, उसके लिए कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है, यूएपीए। जो देशद्रोह होता है उसके लिए कानून है। जो इनडायरेक्ट वॉर होता है, वेजिंग वॉर, उसके लिए भी कानून है। और जो संगठित अपराध होता है उसके लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसपोका है, यूपी और एमपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, गुंडा एक्ट है। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, सिहादियों और उनके मददगारों पे न एनएसए लगाया जा रहा है, न यूएपीए लगाया जा रहा है, न वेजिंग वॉर लगाया जा रहा है, न देशद्रोह लगाया जा रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, सिहादियों और उनके मददगारों की न संपत्ति जब्त हो रही है, न उनकी नागरिकता खत्म हो रही है, न उनको आजीवन कारावास फांसी हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाने का काम योगी जी ने किया। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास दिलवाने का काम भी योगी जी ने किया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पूरे देश में जाएगा और देश की सभी राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, सिहादियों के खिलाफ एनसे, यूएपीए, वेजुमवार, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करेंगी। क्योंकि धर्मांतरण तभी रुकेगा जब कानून का खौफ पैदा हो। दूसरा घुसपैठ, मेरी गुरुदेव पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे, आज की डेट में 6 करोड़ हो चुके हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई जिला नहीं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं पहुंच गए। और जितने लोग राजनीति में हैं, कर दिया। मैंने आरिफ को पूछा कि फांसी की जगह तुझे उम्र कैद में बदल दूं, तेरी सजा तो चलेगा? और आरिफ भैया ने बोला हाँ चलेगा। तो जज साहब ने आरिफ की सजा को फांसी में से उम्र कैद में परिवर्तित कर दी। और जज साहब ने कहा एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर पापी का भी फ्यूचर है। तो मेरी वो 6 साल की बच्ची का फ्यूचर नहीं था? वो 6 साल की बच्ची भी तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनती थी, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती थी। जब न्यायपालिका ऐसे निर्णय देता है तब छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। भगवान नहीं है वो जज? अपनी अस्मिता के लिए लड़ो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ो, एक के लिए सब और सब के लिए एक बनकर जब हिंदू समाज खड़ा होगा, लड़ेगा, तो ये जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं ना, वो बंद होगा। हमारी बेटियों को 35 टुकड़ों में काट के भेज रहा है अब्दुल और आफ्ताब, 40 टुकड़ों में आ रही है, 52 टुकड़ों में आ रही है, सुरक्षित नहीं है बेटियां हमारी। कौन सी महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? कौन सी नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? मैं काम करती हूँ ना, मेरे पर कितने सारे केस लगा दिए, जेल में भेज दिया मेरे को। हिंदू देश में एक हिंदू महिला को एक हिंदू राज्य के अंदर, मैं गुजरात से आती हूँ, एक हिंदू राज्य के अंदर उसको इसलिए जेल में भेजा क्योंकि मैं बेटियों को 35 टुकड़ों में कटे हुए नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अब्दुल और आफ्ताब मेरी बेटियों को उठा के ले जाए और 35 टुकड़े कर दे। इसलिए इन्होंने मुझे जेल में डाला क्योंकि ये भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो यहाँ उपस्थित मेरी समस्त माताओं बहनों को और मेरे भाइयों को अंत में कविता की ये पंक्ति समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। थप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब जो हमारा नारा है, हम बोलेंगे दुर्गा बन तू काली बन, आप बोलोगे कभी ना बुरखे वाली बन, हाथ ऊंचे कर ऐसे करके, ठीक है? और जोर से बोलना, अब्दुल आफ्ताब के कान के अंदर घुस जानी चाहिए ये बात। दुर्गा बन तू काली बन, दुर्गा बन तू काली।
वाली बन। मैं कहूंगी धर्म की रक्षा कौन करेगा, आपको कहना है हम करेंगे हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। तो बोलो धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे।